अज असीं तुहानूं लैके चल रहे हैं कौमी इंसाफ मोर्चा, जिसका मुख्य मंतव श्री गुरु ग्रंथ साहब जी बेदबी के इंसाफ लई बैबल कलां ते कोटपुरा के गोलीकांड के दोषियों सजावां दवाउण लई 328 रूपों के लापता दोषियों सजावां दवाउण लई अते सज़ा भुग चुके सिख कैदियों रिहा करवाउण लई लगाया जा रहा है। इस कौमी इंसाफ मोर्चे विच दूरों दूरों संगतां वध चढ़ के हुम हुमा के पहुँच रही ने ते मोर्चे विच अपना हिस्सा पा रही ने। इस मौके पंजाब के उगे कलाकार भी रोज़ पहुँचते हैं ते बीते दिन कंवरपाल सिंह गरेवाल पंजाब के उगे कलाकार इत्थे पहुँचे, जिन्हां वल्लों कौमी इंसाफ मोर्चे का वध चढ़ के पूरा सहयोग दिता गया। इस तहत 26 जनवरी नूं मोहाली विखे बहुत ही विशाल ट्रैक्टर रैली कढ़ी जा रही है, तो सब संगतां नूं बेनती है इस मोर्चे विच ते इस रैली विच हुम हुमा के पहुँचन ते अपना सहयोग देन। आओ नज़र मारते हाँ इस दीआं कुछ झलकियां ते। दुनिया विच बैठे पंजाबियां दे सरमोर गायक जिन्हां नूं पंजाब दे लोक विदेशों बैठे बहुत प्यार करते हैं, मेरी मुराद है कन्वर गरेवाल। चरणों में बेनती है कि प्रोग्राम वैसे 12 to 4 होंगे है, 4:15 बजे तक, उस बाद कथा होंगी है, शाम को रहस्य पाठ होंगे। एक कीमती समा है, बहुत बिजी लाइफ है इन्हों की, फिर भी समा कट के आए ने। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਥਾਏ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਗਰੂਕਤੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਨੇ ਮਿਲੇ ਵਚਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ नमस्कार। और गुरु जी की गोद बैठे सारे संगत रूप जी हमेशा जिक्र करीदा, साडियां रब वर्गियां मावां, साडियां भैणां, साढ़े बापू श्री बुजुर्ग साहिबान, मेरे सारे दोस्त मित्र वीर सारे भरा, थोड़ा सारिया का बहुत बहुत सत्कार। अज असी माफी चाहते हैं कि बोलने वास्ते नहीं आए थे, सानू ऑलरेडी पता सी कि 4:30 बजे स्टेज जी संपूर्ण हो जाती है, तो अज असी बोलना भी नहीं क्योंकि इस वेले मेरे सामने है कि राज साहब के पाठ होने हैं, और उस पाठ के समय के कोई गवैया बोले तो की बोल सकते। सो अरदास अज यही करके चलें कि महाराज इतने हाजरियाँ बख्शन, आते रहिए, गाँवते रहिए, बोलते रहिए, सेवा करते रहिए। सो अज इन्नी हाजरी है कि बस अरदास इन्नी बोल जबान है कि सच्चे पातशाह सानू सारयां, सारे भाईचारयां, सारे धर्मां दे लोगां इस चीज़ का एहसास करावे कि एक किसी व्यक्ति विशेष का मोर्चा नहीं है, किसी एक परिवार का मोर्चा नहीं है, ये समुचे भाईचारे का मोर्चा है। सो आओ आप महाराज के ओट आसरे, जिस तरह किसानी मोर्चे वाले आप जातां धर्मां तो उपर उठ के जो आप संदेश होका दिल्ली के बार्डर से वजाया सी, सो उस तरह ही इतने बड़े प्यार सत्कार नाल अदब तहजीब नाल ते जागते हुए सिखर से महाराज की बाणी नूं उन्हां दे संदेश नूं रखते हुए आप इस मोर्चे लिए आप सारे 26 जनवरी नूं दोस्त ने दस्सिया कि इत्थे मोहाली दे विच इस मोर्चे नूं मद्देनज़र रखते हुए एक ट्रैक्टर मार्च रखा गया। सो सारयां नूं उहदे च हाजरियां लवाउण लई खुल्ला सद्दा है, आओ एक सोहणा विजुअल आप इस मकसद लई, जिस मकसद लई आप इकट्ठे हुए हैं आप जरूर दिखाइए। सो अज दी हाजरी इन्नी है, राणा साहब दे पाठ सुणदे हां, सरवण करदे हां। एक होर सोहनी गल है कि जिस तरह आए असी ना गाँव वाले इस समय में तरसे पे हैं, सच पुछ के हम जिस तरह छोटे होंदे तो उस कल्चर च पले वड्डे हुए हैं, अज आउण सार तां पहली चीज़ यही महसूस हो रही है कि हाजरी लवाने ना पिछे ही पै असी किसी सजना मिलने वास्ते खड़ गए, उत्थे एक परिवार आया मेरे को गुरसिख बेबे बापू सी, तब वह भी यही गल करनी पा के कहते पुत्र मोर्चा तो है ही है, महाराज प्रकाश ने तो जाओगे गुरु साहब की बाणी करनी पेगी,
और नालदा जिवें सिंह साहब दसते हैं प्रभ मिल देखा चाहो उस पवित्र जगह तो सिंह साहब आए तो आदि वाहेगुरु 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 हम सचिओ कन्न तरसे पे हैं एक होर दुनिया च बहर आए ने ठीक है लोग कहें कि कृपा बड़ी पर एक इंतहार वागू लगती है जिंदगी के आ जरा महाराज की शोभा वाहगुरु ये शब्द में इस मंत्र को सुनने को हम पता नहीं महाराज की की खेड है कन्न तरसते रहते हैं सो इतने आके एक तो महाराज का कोट न कोट शुकराना है कि पहली आवाज ही वाहगुरु जी करनी पई है सो ये शुकराना है सो महाराज कहीं रोज जुड़ के बैठीए तो आप मोर्चे के नाल भी आपका पहरा दे तो नाल जी ये जी घड़ी है ना जिमें कहते हैं कि सुबह इतने कीर्तन होंगे रहना साहब के पाठ होंगे बाड़िया का जाप होंगे ये छोटी गल नहीं है ये इस मोर्चे का शिखर है जे आप समझा तो महसूस करा जे चत्तो पैर गुरु महाराज की आवाज साढ़े जहन च रहूगी उन्होंने संदेश उन्होंने मत साढ़े जहन च रहूगी असी गलती नहीं करा असी इन्ने प्यार सत्कार अपने इस मैसेज को जिस तरह किसानी मोर्चे को वर्ल्ड वाइड पहुँचाया मैं लगता उस तरह इस मोर्चे में भी पहुँचावे सो महाराज जी का संगतान का बापू जी होर सारे का बहुत बहुत आदर सत्कार परमात्मा तुम सारे चढ़ती कलद रखे और जिस मकसद लिए आप इतने हम इकट्ठे हुए हैं सो महाराज करे कि वो मकसद जल्दी साड़ा संपूर्ण हो पूरा करे सच्चे पातशाह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बापू जी साढ़े बाप ने मेरे बिल्कुल नाल खड़े ने इस मोर्चे च मेरी एको बेनती है जिनी बारी भी महाराज मैं लैके आऊगा मैं अचक स्टेजा तो भी बोली है ना ठीक है वो कुछ दिन से जो कंपनिया ने मेरा ना कमर गरेवाल रखता उदो मैं न्याणा से सियाना हूँ भी कोई बहुता नहीं है तो उदो जिमें पहले ना एक प्रोसैस होता कि एक कंपनी थोड़े ना टाइप करती है तुम्हें रिलीज करती है उस वेले कोई बड़ी शमूलीयत मेरी नहीं सी कि मेरा नाम टेपा च की आऊगा उस तो बाद संगत मैं की कह के बुलाऊगी पर हूँ मैं लगातार पिछले दो चार महीने तो बापू जी स्टेजा पर कहना है कि मेरा नाम मेरी माँ ने कमरपाल सिंह रखा सी सो हौली हौली असं कोशिश कर रहे हैं कि सोशल साइटा से जिन्हें भी मेरे प्लेटफॉर्म ने भावें कोई यूट्यूब फेसबुक जिते भी है सो उधर नीवी पैंदी है शर्म आती है मैंने जो कोई कहता है कि पुत कितने चले हैं मैं जी मोर्चे चले हैं कि ना की तरह तो जो विचाले ठीक है कोई शर्मा जी आके बहते तो उन्होंने तो खलस है कोई आके होर कोई खान लगता है ये उन्होंने अपनी विरासत है अपना ना है पर अपने नावों के पिछे सिंह लग्या हुआ सी सो वो साड़ियाँ गलतियाँ सी साड़ी अनजानता कह लो पर इतने मैं चाहना कि जो भी तुम अपने पुत नूं कह के बुलाओ अपने भरा नूं कह के बुलाओ तो तुम कमर सिंह कह के बुला लिया करो मुझे बहुत चंगा लगेगा जो कौमी इंसाफ मोर्चा लगा है बंदी सिख है गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के इंसाफ आवाज जो संगत बुलंद कर सारी संगत को जिथे भी इन्हों टाइम मिले ये प्रेरणा दिन विशेष तौर पर 26 जनवरी वो संगत इतने आने लिये बेनती कर अपने जेडे इन्होंने माध्यम ने चैनल ने जिन्हें भी गायक ने सीमा साहब ने दूसरे जस्सी जी आए सन सारे बेनती है निमृतर साहब बहुत बहुत धन्यवाद वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की अगवाई में लगे कौमी इंसाफ मोर्चे पहुंची समूह सात संगत जी फतेह अर्ज करना वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह असी ये मोर्चा लाया गुरु साहब की अगवाई इतने जिथे वख-वख जथेबंदियां वख-वख संप्रदावां बस राजसी पार्टियां दे आगू धार्मिक संस्थावां दे आगू अते निजी तौर पर हाजरी लवा रहे हैं इत्थे संगत उत्थे एक वर्ग जिहदा साडे समाज विच बहुत बड़ा योगदान है वो भी अपने फर्ज नूं समझते हुए इस कौमी इंसाफ मोर्चे की चढ़ती कला लई इत्थे हाजरी लवा रहे हैं
ते ओ साडी बेनती नूं मंनदे हन, संगतां नूं अपीलां भी कर रहे हैं। सो उहनां दा इत्थे आउण ते बहुत बहुत धन्नवाद। तीन दिन पहला रेशम अनमोल जी इस वर्ग चों इत्थे हाजरी लुआ के गए हैं ते कौमी इंसाफ मोर्चे की चढ़ती कला लई संगतां नूं अपील करके गए हैं। कल आए सी जस बाजवा जी, अज हरप चीमा जी, जिन्हां दी तकरीबन जिहड़ा पिछले साल 11 जनवरी नूं इसी रोस मार्च कढ़िया सी उह च बहुत वड्डा योगदान रहा उहनां ने, ते कमरपाल सिंह जिन्हां दा नाम आपां अज स्टेज तो जारी कर रहे हैं भी अज तो इन्हां नूं कमरपाल सिंह दे नां ते ही बुलाया जावे। इन्हां ने दोहां ने उस मोर्चे की तैयारी वास्ते वीडियो पाई सी। सो गुरिंदर सिंह जी फ्रांस तो पहुंचे हैं, असीं इन्हां सारिआं दा बहुत बहुत स्टेज वालों धन्नवाद करते हैं कि जिन्हां नूं अपने फर्ज संभालदे होए इस मोर्चे की चढ़ती कला लई पुरजोर अपील कर रहे संगतां नूं। सो असीं इत्थे आया दा ते बाकी दे जिहड़े इस वर्ग दे सज्जन है उहनां नूं भी बेनती है भी उह भी इत्थे हाजरी लवाउण ते इस मोर्चे की प्रचार लई अपने वल्लों दो बोल बोल पा के इहदी हमायत करन। सो जिथे मैं कमरपाल सिंह नूं इह वधाई भी दिंदा भी इहनां दी गायकी है जिहड़ी उह नमेकली तौर दी है, होणी भी चाहीदी है जिथे साडी धीआं भैणां मावां सारियां सुण सकण। सो इसलिए मैं इस इहनां दा जो इहनां दी गायकी है वधाई भी दिंदा। सो आयां दा धन्नवाद, आस करदे हां कि बाकी जिहड़े सिंगर इस वर्ग तों है उह भी इस मोर्चे दे चढ़दी कला लई आवाज़ उठाउण जी। धन्नवाद, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। देखो ये तो लोक शक्ति है, असीं लोकां पास गए हैं, लोकां नूं मसले समझाए ने भी किवें 30-30 साल तो जिहड़े सिख ने सिंघ ने वो जेलां विच डके हुए ने, हालांकि 14-14 साल बाद बंदे छुट जाते हैं, उहदा कारण लभे सरकार ते दबाव पाउण लई, सरकार नूं समझाउण लई, सरकार नूं सुत्ती नींद तो जगाउण वास्ते ये मोर्चा लगा। क्यों गुरु ग्रंथ साहिब के सरूप जिहड़े आ किवें गुम हो गए, किवें श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह की बेअदबी हुई, बेअदबी करन वाले, बेअदबी कराउण वाले ते उहनां बेअदबी करन वाले नूं बचाउण वाले असीं कहिंदे उह कटहरे च जाणे चाहीदे ने। इस तरह कोटकपूरा बहबल कलां गोलीकांड दे विच दो सिंघ शहीद हो गए, जिन्हां ने उहनां नूं मारिया शहीद किया, जिन्हां ने उहनां नूं उह शहीद कराए ते जिन्हां ने उहनां नूं बचाया, उह चाहे सरकार विच किन्ने उच्च अहुदे दे होण असीं उहनां नूं दोषी मनदे हां। ते इह बंदी सिंघ जिहड़े अपनियां उम्र कैदां तों वी डबल कट चुके ने उहनां नूं क्यों नहीं रिहाई। मेरी हैरानगी वाली गल इह है कि एक बन्ने सौदा साध गुरमीत राम रहीमा उहनूं परोल भी मिल जाती, किन्ने संगीन दोष ने, बलात्कारी बंदा है, किड्डे उन्हें अपराध किए ने, वह परोल पर भी आ जाता। तो दूसरे बन्ने दो तीन यहोजे सिंह ने, परमजीत सिंह प्योरा, तारा सिंह, उहदी माता बीमार हो जाती है परमजीत सिंह प्योरा की, उन्होंने पैरोल नहीं मिलती, डैथ हो जाती है उन्होंने पैरोल नहीं मिलती। क्यों ये मापदंड दोहरा वा सिखा उहदे वास्ते असीं लोक शक्ति लोगों पास गए, लोगों का बहुत ज़्यादा गारा मिलिया, सारे पंजाब केवल पंजाब विचों ही नहीं, हिमाचल प्रदेश चो, मध्य प्रदेश चो, यूपी चो, राजस्थान चो, हरियाणा चो सिख संगत इहदा सहयोग दे रही, उन्हां दा धन्नवाद भी करते हैं। साडी जिथे सरकार नूं अपील है उत्थे बुद्धिजीवियों नूं प्रेस नूं अपील आ कि असी क्यों इत्थे बैठे आ, वो साडी पहलां मजबूरी सुनी जावे। उन्हां कई बार गलबात की है, उन्होंने किथे भी न्याय नहीं सानूं दिता, इस करके असीं इत्थे बैठे हैं।
और जिस तरीके दे नाल धीरे धीरे जिहड़ा हैगा गायकी दा जिहड़े वर्ड वाले लोग ने वह भी आ रहे हैं। अज कंवर गरेवाल ने जिदा कहा कि कंवर सिंह गरेवाल जिहड़ा मेरा नाम हैगा और पहली बार जिहड़ा हैगा संबोधन जिहड़ा हैगा स्टेज उत्ते तुहाडे तों होया उहदे बारे वो बहुत वधिया लाजवाब ते उहनां दा नाम जी कंवरपाल सिंह गरेवाल कंवर गरेवाल ही उहदा गायकी विच नाम सी। उहने इक महसूस किया कि मैं मेरे विचों कुछ मिसिंग हो रहा एक घाट महसूस हुई भी मेरा नाम पूरा कंवरपाल सिंह गरेवाल है तो मैं क्यों ना उस नाम से संबोधन करा। सानू खुशी भी है क्योंकि गायक जिहड़े कलाकार हुंदे ने जां कोई फिल्मां बनाउंदे ने इन्हां ने समाज यह इन्हां को बहुत गुण हुंदा लेखकां को पास गुण बंदा राइटरां पास लेखकां पास जां कवीशरां पास गाउण वालियां पास यह समाज में बहुत चंगियां जिहड़ियां चीज़ां उभार सकदे ने। ये समाज नूं कराहे भी पाउण दी ये योगता रखते ने कोई कट हुंदे ने जिद्दां दा लिखणगे गाउणगे पर जिहड़ा कंवरपाल सिंह गरेवाल है इहदी गायकी बहुत प्यारी। इत्थे कई गायक आए ने सुख चीमा आया है जस बाजवा आया है रेशम अनमोल आए ने होर भी आउणगे। साडी उहनां दे सन्मान भी बेनती है कि तुसीं भी साडे समाज दा अंग हो जिथे असीं ग्रंथियां नूं प्रचारकां नूं सोसाइटियां नूं समाजिक राजनीति धार्मिक लोकां नूं अपील करदे हैं उत्थे असीं इहनूं कलाकारां नूं कहिंदे कलाकारां विच बहुत गुण हुंदा लोकां नूं समझाउण दा तरीका हुंदा है क्योंकि एक मनुख लिखदा लेखक लिखदा कविता गीत लिखदा ये उहनूं उस लेख लिखत नूं बड़े ही सोहणे ढंग नाल संगीतक रूप दे के उहनूं गाउंदे ने लोकां नूं पंच करदे ने जदों स्टेज ते बोलदे ने हज़ारां लोग सुणदे ने। सानूं ये बड़ी खुशी है ये पहला कौमी इंसाफ मोर्चा जिथे हर वर्ग के लोग अपनी जात पात शरीर तो उच्चे उठ के अपने सिस्टम तो उच्चे उठ के अपनिया पार्टियां तो उठते उठ के इतने आ के साडा सहयोग दे रहे। तो पहला मैं थोड़े माध्यम राही ये कहना चाहना है ये मोर्चा किसी विशेष व्यक्ति वालों नहीं अगवाई साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब करते ने इत्थे प्रकाश हुंदा 4:30 बजे फिर नितनेम हुंदा 7 to 9 बजे पहला जंगल बिया बान है कितें पता नहीं शहीदां दी कोई पवित्र धरती है जिथे जंगल बिया बान दे विच जा के कीर्तन हुंदा फिर उदू बाद गुरबाणी सुखमनी साहब का पाठ हुंदा कथा हुंदी फिर 12 बजे तक ये प्रोग्राम धार्मिक चलते ने 12 बजे तो बाद शुरू हो जाता किसी ने बोलना स्पीच करनी ढाडी अज 3 बड़े बड़े ढाडी जिथे आए ने मैं हैरान हाँ जिन्होंने असं 50,000 रुपया दे के पिंडा विच सुनते हैं चाहे वह तरसेम सिंह मोरा वाली है चाहे गुरप्रीत सिंह लांडरा चाहे महल सिंह ने चंडीगढ़ वाले चाहे अज बीबी दलेर कौर आई आ होर वे वे जसे आते हैं जिथे असी माण महसूस करते कि असी कौमी काज नहीं कुछ शुरू किया वो भी माण महसूस करते ने इत्थे आ के टाइम लेंदे ने। सानू बड़ी खुशी हुंदी है वो चंगा मैसेज जांदा साडे समाज में क्योंकि सारा साडे समाज का ही एक हिस्सा वा साडे समाज के बच्चे ने जिन्हां ने बचपन जवानी सारी जेलां विच गाल दित्ती आ उन्हां नूं छडाउण दा साडे सारिआं दा रोल आ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिहदी बेअदबी वास्ते असीं इत्थे मोर्चा लाया भी होनी नहीं चाहीदी उहदे वास्ते सख्त कानून बनना चाहीदा। वह कल्ले सिखां दा नहीं 14 भगत ने ये भगत कबीर जी भगत फरीद जी भगत सैन जी भाई तन भगत तन्ना जी भगत परमानंद जी ये हर वर्ग के जेडे भगत ने हर श्रेणी के भगत ने यह साडा कल्या का मोर्चा नहीं ये भारत वासियों का नहीं ये देशवासियों का नहीं समुचे सृष्टि का मोर्चा वा कि वह गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जिहड़ा सर्ब सांझी वार्ता का उपदेश दिंदा सृष्टि नूं गलियां च जिन्हां मुरखां ने रोलिया जिन्हां ने उहदी बेअदबी कीती आ उहदे उहदा अजे तक इंसाफ नहीं मिलिया वो लोग अजे भी दंद लांदे फिरदे ने। असीं इह तां अपील करदे चाहुंदे ऐ पंजाब दे दुनिया दे लोको ये गुरु ग्रंथ साहिब का उपदेश ये कल्ले सिखां लई नहीं सर्ब सांझी वार्ता का ये वास्ते जिहड़ा कौमी इंसाफ मोर्चा लगा साडा साथ दे।